जॉय फ्रेंड्स बीएलडब्ल्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं आप सभी का स्वागत है। है। तो सुबह का टाइम हो गया है। हम तो अभी है ब्रश रस ससुराल में। हाँ ब्रश रस करके रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं सपनों का घर जो हम लोग का तैयार हो रहा है उसी का। फिर आज मिस्त्री लेबर वगैरह लगने वाला है, उसको आज फिर कंप्लीट करेंगे और ये मायके में एंजॉय कर रही हैं। 2-3 दिन हो गया, तो हाँ तो अभी ये यहीं पे रहेगी कुछ और दिन फिर कुछ दिन आएंगे के हम बाद ये भी साथ देने के लिए जाएगी। नया घर में शिफ्ट में। हम लोग अब दोनों नया घर में शिफ्ट होने वाले हैं और वहीं पे हम लोग जो है कि अब रहने वाले हैं। तो कब तक तैयार होता है वो देखते हैं। बहुत सारे दीवार वाल जो है टूट गया है। पहले हम लोग वहीं रहते थे तो बहुत दिन तक छोड़ दिए थे तो नहीं रह रहे। तो फिर से अब अपना जहाँ पे रहते थे अपने घर में, अब ये उस समय नहीं थी कि हम लोग छोटू छोटू बाबू थे, जब छोटे छोटा था उस टाइम छोटे थे तब तो रहते थे। तो फिर से हम लोग अब वहीं रहने वाले हैं और इसको भी ले जाएंगे, वो भी वहीं वहीं रहेंगे। तो पूरा से रिपेयरिंग हो रहा है, काम चल रहा है, तो वहाँ पे फिर से काम बढ़िया से कराना है। वो आ जाते हैं और आज और काम करवाते हैं। ये तो हम लोग साथ नहीं देंगे वहाँ पे। हाँ हम अभी यही रहेंगे, अकेले हमको करना पड़ेगा। तो फिर अभी निकलते हैं। जाएंगे कुछ दिन बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है तो हम अपना थार लेके निकल रहे हैं। ये बाइक है तो देखिए मांग में पानी लेके आ गए क्योंकि रेडी वाटर में डालना है, गर्म हो गई है, आ गई है तो हम पानी डालते हैं। क्या है, कितने बढ़िया रहे, हो गया कितना, एक में पूरा है? हाँ एक में पूरा पूरा लगेगा। तो अपना थार लेके ऑन रोड हम निकल चुके हैं। देखिए रास्ता में जा रहे हैं और अभी हम नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, 40 का स्पीड में, क्योंकि जगह थोड़ा क्राउड एरिया है और गाड़ी वगैरह देखिए चलते रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे अपना सपनों के घर में काम करवाएंगे। हम जा रहे हैं अकेले लेबर लोग लेके रास्ता में, अभी हम अकेले जा रहे हैं और काफी बिजी रोड है। रास्ता में दो लेबर जो है उन लोगों को लेना है क्योंकि उन लोग को रात को शाम को घर छोड़े तो हम आ गए थे ससुराल, और इसी में आना जाना कर रहे हैं डेली। पापा के पास भी एक बाइक रहना चाहिए, तो पापा के पास बाइक है और ये मेरे पास है ही, तो इसी में आप डाउन कर रहे हैं। तो फिर आज काम करवाएंगे और काम करवाने के बाद घर चल जाएंगे और इसको फिर बाद में लेने के लिए आएंगे। कुछ दूर मतलब बाहर का बाउंड्री जितना है कम से कम वो सब गिरवा लेते हैं और बाकी काम जो है बाद में करवाएंगे। बाद में मतलब लगातार एक होते रहेगा तो और भी काम होगा, अभी पेंट करना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी है। तो दोनों में हम लोग मिल के वहीं पर धीरे धीरे काम करेंगे। तो फिलहाल अभी हम पापा और बाकी लोग लोग जो है लेबर लोग लोग मिल करके वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं और बहुत ही मजा आता है, बहुत ही इंजॉयमेंट रहता है। और मतलब कि रूम सब जो होता है वहाँ पे बहुत ठंडा लगता है। फिर हम लोग दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग रास्ता में गाड़ी चला रहे हैं देखिए, और फिलहाल हम वहाँ पे अकेले हैं और आज वाइफ नहीं है साथ में, उसको भी ले लेंगे। अभी बस लोग लेबर लोग उठाते हैं और चलते हैं। ऐसा मतलब कि जगह एकदम मतलब वहाँ पे रहने पे जहाँ पे हम लोग का घर बन रहा है उस जगह पे मतलब कि एकदम जन्नत जैसा लगता है। एकदम रहने से मन ही नहीं करता वहाँ से जाने का। वहीं पे फिर हम लोग दोबारा शिफ्ट करने वाले हैं, पूरा घर बनाने वाले हैं, रिपेयरिंग होने वाला है और बहुत ही इंजॉयमेंट होने वाला है। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो लोग यहाँ पहुँच गया है, ये लोग आके बैठा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है, देखते हैं किधर बैठा हुआ है। तो लग रहा है दोनों घर के लिए है, दोनों देखिए उधर तैयार रहते हैं। बोलते तो है ना कि या तो पहुंचे। तो फाइनली हम सपनों के घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए रूम सब जो है पेंट तो है लेकिन इसको फिर से करना है और वायरिंग वगैरह सब कुछ गया हुआ है, तो चीज़ें सब भी एक दिन वायरिंग करेंगे। और रूम का कंडीशन उतना मतलब ये सोचिए पूरा कचरा वगैरह है, लेकिन जमीन पूरा गंदा लगा हुआ है, ये सब पूरा एकदम गंदा है, ये सब सबको साफ करना है और सारा जगह एकदम गंदा पड़ा हुआ है। कल कुछ काम हुआ है तो आइए हम दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है। ये देखिए इस होटल पीछे साइड तरफ काम हुआ और इधर अभी और काम कराना बाकी है। अभी इधर देखिए पूरा टूटा हुआ है, दीवार वाल देखिए दिख रहा होगा, देखिए इस साइड दीवार वगैरह देखिए पूरा टूट गया हुआ। तो ये सारा दीवार वगैरह इसको सब रिपेयरिंग होगा। यहाँ पे भी एक दीवार टूटा हुआ है, ये मतलब इधर दीवार टूटा हुआ और ये वाला भी जो है इसको भी उठा करके ये एक रूम बन जाएगा, तो हम लोग पूरा सेफ्टी हो जाएगा। और इतना सारा कचरा है ये सब भी देखिए इसको साफ करना है। और आइए दिखाते हैं कल क्या क्या काम। देखिए ये साइड पीछे साइड कल काम करवाए थे, ये सब कल रिपेयरिंग हुआ है, जितना भी है ये सब सब मतलब कल घेरे। और ये साइड पीछे साइड तरफ इधर कुछ काम बाकी है, मतलब इधर पीछे हो गया है बस फ्रंट वाला बाकी है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सपनों का तैयार हो गया। देखिए कैसे दिख रहा है, तो ये हम लोग का बहुत पहले का
यह पुराना क्वार्टर है और यहीं पे हम लोग पहले रहते थे, और पढ़ाई लिखाई भी हम लोग का सब यहीं से हुआ है। तो आइए दिखाते हैं क्या बाकी है। इतना सारा हो गया और ये फ्रंट वाला बचा हुआ। कुल्हाड़ी ले लिए हैं, कुल्हाड़ी इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक नीम का डाली है। जब तक सबको यहाँ रेडी नहीं रहता काम के लिए, तब तक हम सोचते हैं कि ये नीम का पेड़ जो है ये काट देते हैं। सूख गया है बहुत, पहले हवा दिया था तो गिर गया था, तो इसको काट देते हैं ताकि दीवार उठाने में उनको दिक्कत नहीं हो। इसको बीच से हटाना पड़ेगा। काटा बोले सुखाई गेल छे था एतो ठेले कोने हटा टुकड़ो बज रे ई ये छे ने के ओचे गेल छे। हां ओचे देख लाल काटे नी दिखे छे देखो ओचे माने के उठे हटे जाबे सही तो हटे जाबे। हां काटवा नहीं काटा छे, बहुत हार्ड छे तो जल्दी काटा बोले। तो लोग काट के देख ले इसको काट नहीं रहा, तो इसको हम लोग सोचे कि हटा के किसका के हटा देते हैं और बाद में इसको काटते रहेंगे। दिमाग देखिए चावल लेकर के डिस्टेंस लगाएगा इसको हटाने वाले दो बता फटाफट। आगे अल्प अल्पा जोर लगा के ऐसा हाल को ठहलाओ। पलटा कुछ चल ठीक है जगह ठहला एकदम वही साइड दी कर ताकि कुकुर टुकुर नहीं सुपे एकदम कोना टुका। हाँ बस हाल पर जा कल पर जा नीचू नम जोर लगा के वाह ये तो एंगल पहले बुद्धि का एंगल साइड एंगल ताकत का छोड़े बड़ा बुद्धि का छोड़े गया एकदम साइड ले गया। अब इसका टेंशन नहीं है। हां धीरे पीछे चालू हो गया, फिर काम होगा। और हमको जाना है बर्तन धोने क्योंकि हमको किचन का काम संभालना है। तो हमको बर्तन ऊपर का किचन जहाँ पे हम लोग कल खाना बनाए थे ये जगह का, और इतना सारा बर्तन है इसको पहले तो धोना पड़ेगा तभी तो खाना बनेगा। और देखिए किचन कितना कचरा पड़ा हुआ है, तो ये सारा कुछ खराब होने के बाद एकदम मतलब चेंजिंग आएगा पूरा एकदम देखने में लगेगा कि यहाँ बनाया। और छत भी ऊपर से रिपेयरिंग होगा। और तो पहले सब बर्तन को धो लेते हैं क्योंकि अभी पानी चल रहा है और पापा का इंतजार कर रहा है। आज ले आए हैं अंडा और आलू, और आज हम लोग का बनने वाला है अंडा और आलू का सब्जी। सब आज अंडा बनाएंगे, बहुत ही कल बनाए थे चिकन बहुत मजा आया था, और आज बनाने वाले हैं अंडा। कल मंगलवार है, कल नहीं, कल सिंपल कोई सब्जी बनाएंगे तो आज ये सब बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको चूल्हा को जलाना पड़ेगा, फिर से हम लोग का कचरे वाला रूम में चूल्हा जलेगा। अभी साफ सफाई हुआ नहीं, बहुत गंदा है, फिर हमको खाना इसी तरह बनाना पड़ेगा। लेकिन बर्तन हम थोड़ा साफ कर दिए, इसमें तो नहीं जाए, ये साफ होना जरूरी है। बाकी कुछ भी कैसा भी रहे बनाते हैं क्योंकि काफी लेट हो जाएगा खाना बनाने वाले में। और उनको चूल्हा जलने के लिए रेडी है, तो इसको पहले जलाते हैं इस तरीका से। देखिए अब धीरे धीरे आग पकड़ रहा है, अच्छी जगह से जलाना पड़ेगा फिर खाना बनेगा। तो फिर से आज इधर हम लोग डेगची चला दिए हैं चावल होने के लिए, और तब तक जब तक पानी गर्म होता है तब तक थोड़ा सा बनाने का काम करके आते हैं। ये मतलब एकदम बारीकी से एकदम कुटा गया, थोड़ा सा भी एकदम मतलब गोटा गोटा नहीं, एकदम बहुत मस्त पिसा है कुटाया। अब चलिए जल्दी से देखते हैं चावल कितना हुआ।
लग रहा मेरा चावल कंप्लीट हो चुका है। हाँ चावल तो बन गया है, और इसी में दे दिया था आलू बनाने के लिए। आलू निकालना पड़ेगा, तो चावल को ही करने के बाद पूरा अंडा बनाने की कढ़ाई में अंडा बनाने के लिए देखते हैं अंडा बॉईल हुआ कि नहीं। अंडा बॉईल हो चुका है, ये देखिए अंडा बॉईल हो चुका है। अब इसको उतारते हैं, ज़्यादा देर बॉईल करते हैं, अब सब्जी बनाना है। अंडा लेते हैं, अब करेंगे अंडा फ्राई। फिर डालने के बाद यार अंडा को छोड़ देते हैं। चलो अंडा छोड़ दिया, इसको करते हैं फ्राई। तो देखा है फ्राई, तो फिर आलू भी छीलना है। आलू भी छीलना, तो अंडे फ्राई हो जाने के बाद हम डालेंगे प्याज, क्योंकि आज बना रहे हैं हम लोग अंडा करी। प्याज डाल देते हैं, इधर हम प्याज काट के रखे हुए हैं। प्याज डालते और आज अंडा करी बना रहे हैं। बहुत ही टेस्ट और मज़ेदार होने वाला है एकदम। लकड़ी का चूल्हा में खाने का कुछ स्वाद ही कुछ अलग है, इसीलिए लकड़ी का बना रहे हैं। तो गैस भी ला सकते हैं, इन कौन गैस ला रहे, गैस लाने से उसका खाना और लकड़ी के खाने का टेस्ट बहुत अंतर हो जाता है। इसीलिए आज इसी में बना रहे हैं। यही कोई फ्राई करते हैं, और हम लोग का देसी कुछ नहीं, देखिए कितना मज़ेदार है। प्याज भजाने के बाद आप डालते हैं इस मसाला जो बारीकी से पीस के रखे। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यम्मी। और अच्छा से इसको मिला देते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, और मसाला तैयार करने के बाद ही गरम मसाला बचा हुआ था इसको भी हल्का डाल देते हैं। मैं खाना बना के मेरा कितना बुरा हाल हुआ है, पसीना पसीना हो गया है पूरा एकदम। और इधर वाला सब्जी सब्जी भी तैयार है, यह सब्जी तैयार है, और मेरा पसीना से बुरा हाल है। जल्दी खाना बना के फिर हमको पंखा चलाओ, जल्द से आएंगे शाम को। पूरा पसीना हो गया, हाँ सब जगह। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी खाना बनाएंगे। और ज़्यादा डाल देते हैं आलू को, चार आलू दी। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, क्योंकि चावल के साथ थोड़ा पानी नहीं डालने से मज़ा नहीं आएगा। तो लगभग मेरा खाना रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा बॉयल हो जाए और उसके बाद। तो फाइनली हम लोग का अंडा का सब्जी तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे अंडा, ये सब अंडा अब डालना पड़ेगा क्योंकि तैयार है। अब थोड़ा ही देर में हम लोग खाना खाने वाले हैं, क्योंकि जितना देर बॉयल हो रहा है ये गर्म में उतना बॉयल हो जाए। फाइनली मेरा किचन का काम हो गया है, अब थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, उसके बाद करेंगे काम। तो रेस्ट हो गया, अब देखते हैं कितना काम हुआ। अभी जाकर काम करते हैं कि जल्दी फिनिशिंग करना है, फिर बाउंड्री वॉल भी करना है, तो बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा हाई रेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा काम है उसको फिनिश करके खाना खाएंगे। लगभग बगान घेरने का काम फिनिश हो चुका है, और कुछ बचा हुआ नहीं है। ये देखिए सारा कुछ, ये देखिए इधर चारों तरफ से बगान घेर लिए हैं, सिंपल में घेरे। बचा हुआ तो सफाई करना, ये सफाई कर रहे हैं, और फिर जल्दी निपटा के निकलेंगे घर। तो आज का जितना बगान करने का काम हो गया, अब बस बाउंड्री वाल, ये सब दीवार उठाना, ये सब बचा हुआ है। तो हम अपना खाना लगा लिए हैं, ये अंडा करी का सब्जी है और चावल है, क्योंकि सुबह से हम खाए नहीं थे, तो थोड़ा सोच रहे खा लेते हैं खाना, काफ़ी लेट हो गया। तो पापा लोग अभी खाएंगे बाद में, क्योंकि वो लोग अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सब कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही। मैं थोड़ा सा बचा हुआ उसको कम्प्लीट करें। ये अंडा करी का सब्जी और ये सब चावल खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। आज भी तो बहुत मज़ेदार बनाए हैं, और चावल इतना हम नहीं खाते हैं, फिर भी देखिए कितना ज़्यादा चावल लिया, देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। नमक वगैरह सब सही है, सब मज़ेदार। तो आप लोग को भी खाना होगा अंडा करी की सब्ज़ी चिकन, तो मेरे क्वार्टर में आपका स्वागत है। आप लोग भी आइए और बिंदास खाइए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।